शाहजहांपुर से होकर गुजरने वाले दिल्ली जयपुर हाईवे पर देर रात राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान की सौक की ईआरटी की टीम ने राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचकर नाकेबंदी कर दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले निजी वाहनों को रोककर रेंडम चेकिंग की गई। इस चेकिंग से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वाहन चालक हाईवे पर हथियारों से लैस जवानों को देख सकते में आ गए। नीमराणा डीएसपी नवाब खान ने मीडिया को बताया कि हमारे पैनियाला में सौक टीम की चौकी होने की वजह से रेंडमली चेकिंग करते रहते हैं। हमें कुछ इनपुट मिले हैं, उसी आधार पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान दिल्ली की तरफ से आ रहे पर्सनल व वीवीआईपी वाहनों को रुकवा कर चेकिंग की जा रही है। कल इसी तरह की चेकिंग सौक की टीम के द्वारा शाहपुरा में भी की थी और आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी की जा रही है। इस दौरान नीमराणा डीएसपी नवाब खां व शाहजहांपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रावत सहित ईआरटी टीम के जवानों सहित पुलिस जाप्ता मौजूद रहा है। क्या आज दिनांक 12/6/2020 को हमारे राजस्थान की एसओजी ईआरटी टीम जो हमारी जयपुर रेंज की ईआरटी टीम है, इनका कैंप पटियाला है, इनका रेंडमली अलग अलग जगह पर इंटरसेप्टेड बॉर्डर पर लाके मिला देते हैं और इसी संदर्भ में भी आज डीआरटी की रेंडमली जो चेकिंग है वो हमारी बॉर्डर में चल रही है। मैं और यहाँ का एसएचओ भी और इस टीम के जो प्रभारी हैं श्री सुरेश चंद जी, उनकी टीम के सदस्य जो उसके साथ हैं, ट्रॉली हम जो दिल्ली की तरफ से जो जयपुर जितने वाहन आ रहे हैं छोटे, उन सबको हम चेक कर रहे हैं। रेंडमली चेकिंग के दौरान जो भी वस्तु मिलेगी उनकी हम कार्य मिला। सर, लोगों में सूचना है कि किसी बड़े बदमाश के आने की भी है इस तरह की? ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, वो सूचना एक्चुअली में डीआरटी के पास है, एसओजी के पास पर्टिकुलर ऐसी सूचना नहीं है। रैंडम की चेकिंग बॉर्डर पर होती है, अब इसी के संदर्भ में आज हमारे बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है। दिल्ली से जयपुर की तरफ जो भी वाहन आ रहे हैं उनको हम और यहाँ की टीम हमारी ट्रॉली चेक करते हैं।